दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी बाइक में पंख वाले लाइट कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक में पंख वाले लाइट लगाए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और आसान तरीके से हमने लगा लिए हैं। अगर आपको भी अपनी कोई भी बाइक में पंख वाले लाइट लगाना है तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो पंख वाला लाइट है वो किस प्रकार दिखता है, जिसको हम आज अपनी जो हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है इसमें लगाने वाले हैं दोस्तों, वो भी इस इंडिकेटर की जगह में, और क्या क्या समस्या आती है इस लाइट को लगाने में, और किस प्रकार हम बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम अपनी बाइक में पंख वाले लाइट लगा सकते हैं दोस्तों, आज हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा पंख वाले लाइट का बॉक्स है वो कुछ इस प्रकार का आता है, ऑटो मंक के नाम से आ जाता है दोस्तों। इसमें कुछ इस प्रकार की इंस्टा आईडी डली हुई है दोस्तों, जो भैया ने इसको भेजे हैं उनकी, और इसके बाद से इसको अगर हम खोल लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ये एल लिखा है तो ये लेफ्ट वाला है, और ये आर लिखा है तो ये राइट वाला है दोस्तों। कुछ इस प्रकार के निकल जाते हैं हमारे पंख वाले लाइट। 804 रुपए का आपको बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान तरीके से फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप भी अपनी बाइक के लिए अगर लाना चाहते हो पंख वाला लाइट तो आप बिंदास ला लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुगाड़ से लेकर के परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बाइक में पंख वाले लाइट कैसे लगाते हैं। और ये पंख वाले लाइट के साथ दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के स्क्रू आते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हम ले लेंगे, नहीं तो जुगाड़ करके इसको फिट करेंगे। तो फटाफट से फिट कर लेते हैं दोस्तों हम पंख वाले लाइट। फिट करने के लिए हमको सबसे पहले हमारी जो स्प्लेंडर प्लस हीरो की बाइक है इसका मास्क खोल लेना है दोस्तों। आपके पास भी बाइक होगी जो उसका मास्क आपको भी खोल लेना है। इसका नाइट का व्यू भी दिखाएंगे दोस्तों, और इसको फिट करने में जो जो समस्या आती है वो सारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो दोस्तों हमारी बाइक का सामने वाला मास्क है, इसमें हमको लेफ्ट और राइट कैसे पता करना है, जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये सामने से हम देखेंगे तो हमारा जो राइट वाला हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार, और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। हमने इसकी जो सर्किट के ऊपर में कवर रहता है दोस्तों, सेफ्टी कवर, उसको निकाल लिए थे, इसके बाद ही इसको हमने मास्क में डाले थे दोस्तों। अब इसको हम लॉक कर देंगे अच्छी तरीके से, जैसा हमने निकाले थे वैसे ही, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे दोस्तों, एक नट और बोल्ट की मदद से इसको फटाफट से हम फिट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो बता देंगे। तो फटाफट से इसको हम फिट कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारी जो बाइक का स्प्लेंडर प्लस का सामने का हेड है, इसमें हमने ये पंख वाले लाइट इंस्टॉल कर दिए हैं, ये कुछ इस प्रकार करे हैं दोस्तों। इसका जो डबल टेप है वो हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं, एक नट और बोल्ट की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं, ताकि हम कभी इसको एडजस्ट करेंगे दोस्तों तो एडजस्ट करने में हमको कोई भी समस्या बिल्कुल भी ना आए। तो फटाफट से अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो पंख वाले लाइट है ये रात में जलने में कैसे दिखते हैं और दिन में जलने में कैसे दिखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी जो ये पंख वाली लाइट है, अब हम आपको इसकी जो वायरिंग है वो बता देते हैं विस्तार से, कि इसकी जो वायरिंग है वो हमको किस प्रकार करना है। जैसे कि आप ये देख सकते हो हमारा जो ये हेड है इसमें दो पंख वाले लाइट लगे हैं, एक इस तरफ लगा है एक उस तरफ लगा है, यानी कि दो पंख वाले लाइट के हमारे जो वायर है टोटल चार वायर हो गए। तो हमने इसको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ दिए हैं, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक जोड़ दिए हैं दोस्तों। और पंख वाले लाइट को बंद और चालू करने के लिए हमने लगा दिए हैं एक स्विच, और कोई भी नॉर्मली हमको लाइट चालू करने के लिए 12 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो हमने क्या किए हैं, चाबी स्विच से जो रिटर्न वाला ब्लैक कलर का वायर है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ब्लैक वाला वायर है दोस्तों, इसमें एक वायर जोड़ दिए हैं हमने ये रेड कलर का, जो कि हमारी जो ये स्विच लगी है हैंडल में इसमें गया है, और स्विच का जो आउटपुट पॉजिटिव वाला है दोस्तों इसको जोड़ देंगे हम दोनों पंख वाले लाइट के पॉजिटिव वाले पॉइंट में, जो कि कुछ इस प्रकार हमको जोड़ देना है यहाँ पर, ये हमने जोड़ दिए हैं दोस्तों स्विच का आउटपुट वाला पॉजिटिव वाला पंख वाले पॉजिटिव में। और जो बैटरी का डार्क ग्रीन वाला नेगेटिव वायर है दोस्तों, यानी कि माइनस वायर है, उसको हम पंख वाले लाइट के माइनस में जोड़ देंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो ये कुछ इस प्रकार हमारी जो ये पंख वाली लाइट है दोस्तों ये चालू हो जाएंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो अभी दिन है इसलिए उतना अच्छे से नहीं दिख पाएगा, फिर भी आप हमारे हाथ में देख सकते हो।
अब हम इसमें फटाफट से टेप लगा करके हमारा जो मास्क है इसको फिट कर लेते हैं दोस्तों, और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी जो रोशनी है वो कितनी है। तो आप ये देख सकते हो हमने जो हमारी बाइक है इसमें पंख वाले लाइट लगा दिए हैं जो कि कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और अभी डे का व्यू है इसलिए इसका जो उजाला है दोस्तों वो उतना नहीं दिख पा रहा हूँ, फिर भी हम आपको अपने हाथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों, इस पंख वाले लाइट की रोशनी आ रही है, इधर वाले की भी आ रही है दोस्तों और इधर वाले की भी आ रही है। और अब हम इसका जो नाइट का व्यू है दोस्तों वो आपको दिखा देते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कि किस प्रकार ये हमारा जो पंख वाला लाइट है वो नाइट में जलता है। तो आप ये देख सकते हो हमारी जो बाइक में हमने पंख वाले लाइट लगाए थे इसमें नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि पंख वाले लाइट अपनी बाइक में कैसे लगाते हैं इंडिकेटर की जगह में, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये जो पंख वाले लाइट है हमने कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगा दिए हैं इसमें, जिसकी रोशनी नाइट में कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।